तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च द्रोणं तमेव सर्वं मम देव देव। सरल सा अर्थ है, हे भगवान, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो, तुम ही सब कुछ हो, मेरे देवता हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है, उतना ही प्रेरक उसका वरीयता क्रम। जरा देखिए, समझिए। सबसे पहले माता, क्योंकि वह है तो फिर संसार में किसी की जरूरत ही नहीं, इसलिए हे प्रभु तुम माता हो। फिर पिता, अतः हे ईश्वर तुम पिता हो। दोनों नहीं तो फिर भाई ही काम आएंगे, इसलिए तीसरे क्रम पर भगवान से भाई का रिश्ता जोड़ा है। जिसकी न माता रही, न पिता, न भाई, तब सखा काम आ सकते हैं। अतः सखा त्वमेवम्। वे भी नहीं तो आपकी विद्या ही काम आना है। यदि जीवन के संघर्ष में नियति ने आपको निपट अकेला छोड़ दिया है, तब आपका ज्ञान ही आपका भगवान बन सकेगा। यही इसका संकेत है। और सबसे अंत में धन। जब कोई पास न हो, तब हे देवता तुम ही धन हो। वरीयता क्रम में जो धन सबसे पीछे है, हमारे आचरण में सबसे ऊपर क्यों आ जाता है? इतना ही, उसे ऊपर लाने के लिए माता से पिता तक, बंधु से सखा तक सब नीचे चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। वह कीमती है, पर उससे ज़्यादा कीमती और भी है, उससे बहुत ऊँचे आपके अपने। इस अनूठी प्रार्थना का पारिवारिक पक्ष और धन की औकात पर एक बात। दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं, थाली का है, वरना वह रोटी तो सबको देता ही है। चांदी की थाली यदि आपके वरीयता क्रम को पलटने लगे, तो इस प्रार्थना को जरूर याद कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखें क्रम का, माता, पिता, बंधु और सखा।